हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर कोई भी डिश बनानी हो उसमें अगर फ्रेश ब्लैक पेपर डाले तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आज हम लोग दो पेपर ग्राइंडर देखने वाले हैं, एक है पिस्टन प्रेस और दूसरा है ग्लास बॉटल रोटेटर। फ्रेंड्स, ये दो ग्राइंडर है, एक है पिस्टन प्रेस और थंब प्रेस बोल सकते हैं, और दूसरा है ग्लास बॉटल रोटेटर। तो इस वीडियो में आपको मैं इन दोनों की जानकारी, रिव्यू और दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी। तो ये वीडियो पूरा देखिए। फर्स्ट हम लोग थंब प्रेस देखते हैं। ये स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनाया है और बीच में इसमें ग्लास दिया गया है, और पीछे थंब प्रेस है, उसे पिस्टन बोलते हैं। इसे हम लोग थंब से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही इजीली हम लोग कैरी भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रैवलिंग में चाहिए कुछ खाना लेके जाते हैं तब भी हम लोग इसे इजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चे भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एक पेन की तरह ही है। मैं आपको अभी ये ओपन करके दिखाती हूँ। अभी इसमें हम लोग ब्लैक पेपर फिल करेंगे। ओपन करना भी बहुत ही ईजी है। अभी इसमें हम लोग यहाँ पर ब्लैक पेपर डालेंगे। तो ब्लैक पेपर डालते वक्त थोड़ा स्लोली ऐड करना पड़ता है क्योंकि नीचे गिर भी सकता है। इसका यही प्रॉब्लम है कि इसमें हम लोग जब भी ब्लैक पेपर डालते हैं तो बहुत ही स्लोली ऐड करना पड़ता है क्योंकि नीचे बहुत गिर जाता है, झट से हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। अभी इसमें मैंने ब्लैक पेपर पूरा डाल दिया है। अभी उसका जो टॉप दिया है गए उसे हम लोग को फिट करके लेना है। फिट करना जैसे पेन का करते हैं हम लोग, वैसे ही है, सिर्फ घुमाना है तो फिट हो जाता है। अभी ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक पेपर आपको दिखाई देता है, ये जो बीच में ग्लास है उससे आपको दिखाई देगा क्लियरली। मैं अभी आपको ये ऑपरेट करके दिखाती हूँ ये कैसे ऑपरेट होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे जो पिस्टन दिया गया है उसे जस्ट प्रेस करना है तो हमें फाइन फ्रेश ब्लैक पाउडर मिल जाएगा। और ये फ्रेश ब्लैक पाउडर हम लोग पास्ता नूडल्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ग्लास बॉटल पेपर और सॉल्ट ग्राइंडर। ये जो ग्लास बॉटल पेपर ग्राइंडर है, ये नीचे का मटेरियल ग्लास का बना हुआ है और ऊपर का स्टेनलेस स्टील का है। ये ग्लास का है इसीलिए हमें इजीली इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें ब्लैक पेपर डाला है या सॉल्ट डाला है। तो ये बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज होता है। इसके ऊपर एक लीड दिया गया है। जब भी हमें कुछ ग्राइंडिंग करना है तब वो ये लीड निकाल के हमें ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अभी मैं ये बॉटल आपको सेपरेट करके इसमें हम लोग रिफ़िल करेंगे। अगर हमें चाहिए तो हमें इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, नहीं तो सॉल्ट डालेंगे। पर मैं अभी इसमें ब्लैक पेपर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। इसमें ब्लैक पेपर ऐड करना बहुत ही ईजी है। एक स्पून से हम लोग झट से इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। और एक एडवांटेज है, ये क्लीनिंग में भी बहुत ही ईजी है क्योंकि इसका बॉटल सिर्फ निकालना है और क्लीन करना है। अभी मैं आपको ब्लैक पेपर क्रश करके दिखाती हूँ। सामने का लीड निकालना है और बाद में ही हमें ग्राइंडिंग करना है। मैं अभी आपको ब्लैक पेपर ग्राइंड करके दिखाती हूँ। ग्राइंडिंग करते वक्त वो स्टील का जो दिया है उसे होल्ड करना है और बॉटल को घुमाना है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घूमता है। मैं अभी ये क्लॉकवाइज घुमा के दिखा रही हूँ आपको। जस्ट सामने का स्टील का है उसे होल्ड कीजिए और बॉटल को क्लॉकवाइज घुमाइए तो हमें थोड़ा फाइन पाउडर मिलेगा। और सेम प्रोसीजर है, वो स्टील का होल्ड कीजिए और ग्लास बॉटल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पाउडर मिल जाएगा। तो इसका ये एडवांटेज है कि इसमें हमें दो टाइप्स के ब्लैक पेपर मिलते हैं। फिर से दिखा रही हूँ, होल्ड कीजिए स्टील का और बॉटल को घुमाइए। किचन में रेसिपी बनाते वक्त ये बहुत ही यूज़फुल है। अभी दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। इसके अगर एडवांटेज देखेंगे तो ये इजी टू कैरी है, हम लोग कहीं भी जाते वक्त ये लेके जा सकते हैं। सिर्फ इसमें रिफ़िल करते वक्त मीन्स हमें ब्लैक पेपर या सॉल्ट ऐड करते वक्त थोड़ा डिफ़िकल्टी है और क्लीनिंग में भी। ये ग्लास बॉटल का देखेंगे तो ये हमें ट्रैवलिंग में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है। पर ये पिस्टन वाला है वो ईजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं। और ग्लास बॉटल का एडवांटेज देखेंगे तो ग्लास बॉटल का क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही इजी है और ये ट्रांसपेरेंट है, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसमें ब्लैक पेपर रखा है या सॉल्ट रखा है। इसका ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और इसमें दो टाइप्स के हमें ब्लैक पेपर मिलेंगे, एक फाइन और एक थोड़ा सा कोस। तो ये दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।